सामने गाइस, दिस इज समर फ्रॉम यंगजूस और ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है या स्टेप का, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ये। तो अगर इसके अंदर आप टॉप के अंदर एक किस्म का आ जाते हैं, जितने भी उन्हें स्टूडेंट्स लेने होते हैं, ठीक है, तो फिर आपको फ्री में या एंट्री टेस्ट की वो प्रिपरेशन कराते हैं। और ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए कि जो रिपीटर हैं खासकर वो इसे गेन करें। फ्रेशर भी तो गेन करने की ट्राई करेंगे, लेकिन रिपीटर्स के लिए एक है कि उन्हें पहले तो याद अगर फीस दी हुई है, पहले भी माशाल्लाह स्कॉलरशिप पे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब एक किस्म का ना वो इसके लिए एफर्ट करें। तो इसका सिलेबस सामने, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इंग्लिश का, ठीक है, और ये प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसके बाद जो आएगा वो है ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और इंग्लिश का, ठीक है। तो ये जो नॉन मेडिकल वालों के लिए, उनके लिए, तो बेसिकली बुक के ऊपर ही आपने फोकस करना है, ठीक है। इजी मुश्किल कई क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, जो इसका सबसे मेन होता है ना ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का, वो ये होता है कि आपने इसे फिलिंग जल्दी जल्दी करनी, क्योंकि जो पंजाब कॉलेज का फेस शीट देते हैं ये बहुत ना बड़े सर्कल देते हैं, तो आपने इसे अगर फिल कर लिया ना पूरा पेपर एक किस्म का, तो ये आपका एक बहुत बड़ा ना माल का जिसे होता है कहते हैं वो होगा ना, तो आपने ये लाजमी ट्राई करना है, ठीक है, आपके वरना कई सर्कल रह जाएंगे अगर आपने टाइम तेज़ तेज़ ना ना वो एक किस्म का मैनेज किया। बॉल पॉइंट या मार्कर वो आप इनसे पूछ लीजिएगा क्या ला होता है, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है, तो बाकी बेस्ट ऑफ लक और तैयारी एक किस्म का ना यार पास पे देख लेना, ठीक है। अगर मुझे मिला तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, और अगर खुदा ना खासा ना मिला तो यार भाई माजर, ठीक है। तो बाकी क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं, कॉस स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो अब ये आप पे अब इंशाल्लाह डिपेंड करेगा कि आप इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। और अगर खुदा ना खासा ही नहीं भी आपका क्लियर होता तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, पता नहीं मेरी तैयारी नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, उसका नहीं हुआ था क्लियर, लेकिन वो माशाल्लाह बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में बैठा, ठीक है, तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी बेस्ट ऑफ लक अपनी तैयारी करें, बाकी वीडियो को या उन लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे जो एक किस्म का ना रिपीटर है, जो फ्रेश एक किस्म का देना चाहते हैं ये स्टेप का टेस्ट, ठीक है। मेरा भी प्रॉफ है, मेरी भी याद रखिएगा, बाकी ख्याल रखिएगा अपना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।